आज मुझे देखना था कि एक न्यू चैनल पर इंटरव्यूज की वीडियोस और फनी वीडियोस को डालकर कितने व्यूज बटोरा जा सकता है, इसीलिए मैंने एक चैनल बनाया एसटी टॉक्स नाम रख के। चैनल बनाने के बाद मैंने उसके लिए दो वीडियोस तैयार करी जो कि रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट की थी, जिसे मैंने थोड़ा सा एडिट करके और AI से टेक्स्ट लगाकर दो वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड किया, जिस पर स्टार्टिंग के एक घंटे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं था। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को 5-6 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए और उसके बाद चेक करा जाए। और फिर बाद में जब मैंने अपना चैनल खोलकर देखा तो एक वीडियो पे लिटरली 200 व्यूज आ चुके थे और मैं देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर मैंने सोचा सिर्फ पॉडकास्ट क्यों, फनी क्लिप्स भी डालते हैं। फिर मैंने इंटरनेट से उठाया समय रैना का कंपाइलेशन वीडियो, जिसमें से मैंने कुल मिलाकर 4 शॉर्ट वीडियोस निकाला, जिसको थोड़ा सा एडिट करके मैंने उसके ऊपर एक कैप्शन लगाया और उन 4 के 4 वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस चैलेंज के एंड में देखा जाए कि कितने व्यूज हुए। दिन खत्म होने के एंड में अपने चैनल पर सिर्फ 6 शॉर्ट वीडियोस थी। मुझे पता है 6 शॉर्ट वीडियो काफी कम है, पर मुझे कॉपीराइट से बच कर वीडियोस अपलोड करने थे, इसीलिए मैंने 6 ही वीडियोस डाला। जिसके बाद सुबह मैंने रिजल्ट देखा तो मैं हैरान हो गया। जैसे अपने सुबह मैंने चैनल को खोला और देखा कि मेरे 4 शॉर्ट वीडियोस पे तो व्यूज ही नहीं आए थे, और जो मेरी पहली वीडियो थी जिस पे 200 व्यूज आए थे उस पर 700 से भी ज्यादा व्यूज हो रखे थे। फिर मुझे पता चला YouTube की एक गाइडलाइंस है जिस पर मैं रीयूज कंटेंट को नहीं डाल सकता हूँ, और उन 700 व्यूज से अपने चैनल पर आए थे 7 सब्सक्राइबर्स। अब इस चैलेंज को मैं और भी बड़ा करूंगा, सिर्फ 24 घंटे नहीं, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं 3 दिन की वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं देखूंगा कि 3 दिन में अपने चैनल पर कितनी ग्रोथ होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब करना, और हाँ इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना, और हाँ मेरी लेटेस्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर से चेक कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।